हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, हम आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिस बातों को बहुत से लोग इग्नोर कर रहे हैं। हम अपने चैनल पे कई वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ कमेंट लोग किए हैं जो कि देखकर हमको ये बात अच्छी नहीं लगी। उनकी कमेंट जो है हमको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम कई वीडियो में हम आप सबको बताए हैं कि जो थिनर है उसको कभी नहीं पीना है, कभी हाथ नहीं लगाना है। लेकिन कुछ लोग कमेंट वीडियो में किए हैं कि हम गलती से थिनर पी लिए हैं। कुछ लोग ये कमेंट किए हैं कि हम थिनर पीने जा रहे हैं, इसका मतलब आखिर होता क्या है? इसका मतलब ये है कि वो मजाक इसको समझ रहे हैं, ये थिनर जो है आखिर वो क्या है, इसको मजाक बना रहे हैं लोग। लेकिन हम बता दें कि अगर आप इसको अगर मजाक बनाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इसको जिसने भी अगर पिया है उसकी तबीयत बिगड़ी है या उसकी मौत भी हो गई है, शायद आपको इसके बारे में पता है या नहीं है। हम इसीलिए अपने कई वीडियो में आप लोगों को ये बात बताई है कि जो थिनर है वो बिल्कुल बिल्कुल उसके आप लोग दूर रखेंगे, बच्चों को दूर रखेंगे। आप लोग भी कभी पानी वगैरह पीते हैं, अगर आपके घर में कहीं भी थिनर रखा है तो आप पहले उसको जांच लें कि वो आखिर थिनर है या पानी है, उसके बाद ही पिए। नहीं तो इस तरह अगर आप बिना जांचे अगर पीते हैं तो बाई द वे कहीं अगर आपके हाथों में थिनर हो और आप गलती से पी लिए तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन इस बात को कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं, वो कमेंट करके ये बोलते हैं कि हमने गलती से थिनर पी लिया, कोई बोल रहा है कि हम जा रहे हैं थिनर पीने। यानी उन लोगों को या तो अपने जान से प्यार नहीं है, अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, या तो वो मजाक बना रहे हैं। आप कुछ भी मजाक बनाएं, लेकिन ये मजाक बनाने वाली ये बात नहीं है। आप इस बात को कभी इग्नोर ना करें। अगर आपको पता नहीं है, अगर आप इसको मजाक समझ रहे हैं, तो आप YouTube पे सर्च करें और सर्च करके आप वीडियो कई देख सकते हैं। आपको कई ऐसी न्यूज मिल जाएंगी जिसमें कोई बच्चे की मौत हो गई है, कहीं 12 साल के लड़की की मौत हो गई है, किसी की आँख चली गई है, आँख की जो रोशनी है वो चली गई है। इस तरह की कई मामले आपको मिल जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप YouTube पे सर्च करके देखें, ऐसी मामलात कहीं आपको मिलेंगी। अपने बिहार में भी ऐसी मामला आया है, और यहाँ तक कि अपने ज़िले जो है गोपालगंज जिला में भी ऐसा केस आया हुआ है। एक बच्ची इंतकाल की थी, ऐसे ही वो गलती से थिनर पी ली थी, उसके घर में काम वगैरह हो रहा था और इसी दौरान उस बच्ची को कोई देखा नहीं और बच्ची क्या की कि वो थिनर की जो बोतल है वो खोलकर और पी रही थी। इस दौरान उसकी जान बचाने के लिए लोग हॉस्पिटल तो ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बची। इसी तरह एक 12 साल की लड़की कहीं अपने बिहार की थी, और वो भी खाने वो क्या था कि वो खाने बैठी थी और उसको अचानक से उसको प्यास तेज लगी, और प्यास लगने की वजह से वो कुछ सोची समझी नहीं और फटाक से वो बोतल उठाई और बोतल की ढक्कन खोलकर वो पी ली। लेकिन उसको पीने के बाद उसको ये अंदाजा लग गया कि वो पानी नहीं बल्कि थिनर पी ली है, क्योंकि अगर पानी पीते हैं तो उसका जो है स्मेल होता है, उसका टेस्ट होता है बिल्कुल अलग होता है, और जो थिनर है उसका भी टेस्ट और जो स्मेल है वो भी अलग है। तो वो लड़की जब पानी पीने के बाद उसके उसको अब उसको प्यास लगी थी, वो अचानक से उठाई और जल्दी से पानी पी ली। जब वो पानी पी ली तो उसको समझ में आया कि जा हमने पानी नहीं बल्कि थिनर पी ली है। वो सबको बताई, अपने घर में बताई, घर वालों ने उसको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो तो उसकी इलाज चली, लेकिन दूसरे सुबह की जो किरण है वो नहीं देखी, यानी दूसरे दिन सुबह के पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। तो आप इस बात को कभी इग्नोर ना करें। हम भी बस ये वीडियो इसीलिए बनाया था, ये जो कमेंट हमने देखा है, बहुत दिनों कमेंट देखते आ रहे हैं कि लोग इसको मजाक बना रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ऐसे अफवाहें कहीं नहीं फैलाएं, ठीक है, और मजाक कभी नहीं बनाएं। हर आदमी की उसकी ज़िंदगी प्यारी होती है, आपकी भी ज़िंदगी जो है आपके लिए प्यारी है। आपको अपने ज़िंदगी में कुछ करना है, ऐसी हरकत ना करें। हम वीडियो इसके बारे में क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि कोई ये कोई गलत कदम ना उठाए, या कि कोई भी अगर ऐसा करता है, पानी पीता है, चाहे कुछ भी करता है, तो इत्तेहाद बरते, वो पहले जाँच ले ताकि उसकी जान बच सके। और कुछ लोग हैं
चीज़ पे गलत टिप्पणियाँ करते हैं, गलत कमेंट करते हैं। तो दोस्तों आप इस बात को समझें और इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देंगे ताकि और कोई भी ऐसा जो सोचता हो उसको भी ये समझ में आ जाए, बिल्कुल ऐसे इग्नोर नहीं करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।